हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अतीत का दूसरा भाग। पहले से ही डरे लोग एकदम स्तब्ध हो गए। ध्रुव सचमुच प्लेन से कूदने जा रहा था। वे सचमुच बहादुर होते हैं जो दूसरों के तरफ बढ़ती मौत को ललकार कर अपनी तरफ बुला लेते हैं। हवा में गिरता ध्रुव का शरीर तेजी से सभी की निगाहों से ओझल हो गया। कामयाबी कामयाबी, खत्म हो गया सफर कमांडो ध्रुव। अब जब उसका शरीर जमीन से टकराएगा तो ये पता नहीं चलेगा कि हाथ कहाँ गिरा और पैर कहाँ। बाल बाल बचे, सात्र्य ने साफ कह दिया था कि या तो ध्रुव बचेगा या हम लोग। कैप्टन, हमारा जहाज को हाईजैक करने का कोई इरादा नहीं है। तुम जहाज को फॉल्कन आइलैंड की तरफ ले चलो। वहां की प्राइवेट हवाई पट्टी पर यह जहाज उतर सकता है। हम वहां पर जहाज से उतर जाएंगे, उसके बाद हम अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। कम ऑन, हरी अप। भरी हुई बंदूकों के सामने बहस नहीं की जाती। पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा प्लेन अपना रास्ता बदलकर पूर्वी दिशा की ओर फिर से बढ़ने लगा, अरब सागर में स्थित फाल्कन आइलैंड की तरफ। लेकिन ध्रुव की मौत के साथ अपहरणकर्ताओं के लिए मुसीबत का दौर खत्म नहीं हुआ था। जोशे, कुछ गड़बड़ लगती है। अभी यह पहाड़ी उस तरफ दिख रही थी, अब इस तरफ आ गई है। ठीक कह रहा है तू, जरा कैप्टन के पास जाकर पता तो कर कि कहीं वह किसी दूसरी दिशा में तो नहीं जा रहा। अगर जरा भी चालाकी की तो उसका दायां कान काट देना, फिर भी ना माने तो बायां। अब जा। जॉर्जी कॉकपिट में घुस घुस गया और कुछ ही मिनटों बाद फ्रूट टॉली लेकर एयर होस्टेस बाहर निकली। ए, तू कहाँ आ रही है? जॉर्जी कहाँ है? वे कैप्टन के पास खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि आपको शैंपेन दे आऊं। ये काम तो उससे उसने बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये कोई चाल तो नहीं है तुम्हारी? पहले जॉर्जी को बुलाओ। कुछ ही पलों बाद जॉर्जी दरवाजे पर खड़ा था। आहा, वो रहा जॉर्जी, एकदम ठीक ठाक। ले आ शैंपेन। जोशे को इतना तो याद है कि उसने बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये उसको समझ में नहीं आया। पहले तो ट्रॉली की ट्रे उड़कर उसके मुंह से टकराई और फिर एक तेज घूंसे ने उसके होशो हवास उड़ा दिए। ठाक! और जब उसकी आंखों के आगे सितारे नाचने खत्म हुए तो उसने वह दृश्य देखा जिसकी उम्मीद उसने कम से कम इस जन्म में तो नहीं की थी। सुपर कमांडो ध्रुव, पर तुम तो कूद गए थे, मर गए थे तुम, ट्रॉली में कैसे आ गए? यह जादू है, तू जादू जानता है? इस जादू को दिमाग कहते हैं जोशे, जिसे हिम्मत के घोल में रखा जाता है। अब बेहोश जॉर्जी का कॉलर छोड़ दो कैप्टन, ये लो। अब तो मेरे लिए मेरे हाथ भी दुखने लगे थे। था! वाह, ऐसा जादू तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। मैंने तो तुमको विंड स्क्रीन को खटखटाते देखा और लपक कर अपने सहचाले से कॉकपिट का दरवाजा खुलवा दिया, पर तुम नीचे कूदने के बाद विंड स्क्रीन तक पहुंचे कैसे? मैं नीचे कूदा जरूर था कैप्टन, पर गिरा नहीं था। गिरने से पहले मैंने स्टार लाइन का एक स्टार प्लेन के अंदर ही अटका दिया था। मैं जब प्लेन से लटका हवा में झूल रहा था, तब मैंने अपनी स्टार बेल्ट में रखे सक्शन पंप के सेट को निकालकर अपने हाथ और जूतों पर पहन लिया और फिर स्टार लाइन के सहारे ऊपर चढ़कर सक्शन कैंपों की मदद से प्लेन की सतह से चिपक गया। और इसी तरह से चिपक चिपक कर आगे बढ़ते हुए मैं कॉकपिट तक पहुंच गया। और इसके आगे की दास्तान तो आप जानते ही हो। पहले मैंने कॉकपिट के अंदर घुसते ही जॉर्जी को बेहोश कर दिया और फिर ट्रॉली में घुसकर जोशे तक पहुंच गया। कमाल की हिम्मत दिखाई तुमने, पर ये सक्शन कैप, मैंने तो सुना था कि तुम किसी भी तरह के उपकरणों का प्रयोग नहीं करते सिवाय स्टार लाइन और स्टार ब्लेड के। अब करने पर मजबूर हो गया हूँ कैप्टन, क्योंकि आज के अपराधी अपराध करने के लिए बहुत तेजी से नई नई तकनीक अपनाते जा रहे हैं। ऐसे में उनका सामना करने में एक भी चूक का अर्थ है अपनी और हजारों लोग निर्दोषों की मौत। और उस एक चूक को रोकने के लिए कभी कभी इन उपकरणों का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। लगभग उसी वक्त पेरिस के डिगॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। क्या सोच रहे हो सात्रे, यही ना कि तुम्हारे आदमी सफल हुए होंगे या नहीं? असफलता का तो सवाल ही नहीं उठता मार्सेल, दोनों आदमी मेरे चुनिंदा हिटमैन हैं। वे किसी ना किसी तरह से ध्रुव को खत्म कर ही देंगे, पर यह हमको कैसे पता चलेगा सात्रे? सीधी सी बात है, ध्रुव को मारने के बाद मेरे आदमी प्लेन को फाल्कन आइलैंड ले जाएंगे। अगर थोड़ी ही देर में यह खबर मिले कि प्लेन ने अपना रास्ता बदल लिया है, तो समझना कि उन्होंने अपना काम। कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। अटेंशन प्लीज, भारत राजनगर से आने वाली हमारी फ्लाइट नंबर KL409 अपरत हो गई। बोलो बोलो, अपने पूर्व निर्धारित समय से आ रही है। फ्लाइट गेट नंबर 24 पर आएगी। ये कैसे? मूर्ख, तुमसे एक काम भी सही तरीके से नहीं हो सकता। अब तेरे आदमी पुलिस हिरासत में सब कुछ उगल देंगे। चटाक! मैं तेरा नौकर नहीं हूं मूर्ख औरत, कि तू मुझ पर हाथ उठाए। सात्रे पर आइंदा हाथ उठाया तो हाथ तोड़कर रख दूंगा। अब सुन मेरी बात, ये आदमी किसी को कुछ नहीं बता पाएंगे। या
इस अभियान पर जाने से पहले मैंने अपने आदमियों को एक ऐसा जहरीला कैप्सूल विटामिन बताकर खिला दिया था जिसके जहर का असर 36 घंटों बाद होता है। अगर मेरे आदमी सफल होकर वापस आते तो मैं उनको उस जहर की काट खिला देता, लेकिन अब वे पुलिस हिरासत में हैं और 36 घंटे पूरे होने में सिर्फ 3 घंटों का समय बाकी है। जहर का असर होना शुरू हो जाएगा, तुम देखती रहो। प्लेन के उतरते ही फ्रेंच पुलिस ने हाईजैकरों को हिरासत में ले लिया था। आपने इन हाईजैकरों को जिंदा पकड़कर एक कमाल कर दिखाया है मिस्टर ध्रुव। इन्होंने आपको तो कुछ नहीं बताया, पर हमारे पास जुबान खुलवाने के कुछ नायाब तरीके हैं। हम इनसे उगलवा अरे इन इनको क्या हुआ? इनके मुंह से तो खून आ रहा है। अब ये दोनों नहीं बचेंगे, 3 घंटे के अंदर अंदर ये मृत हो जाएंगे। कहीं पुलिस डॉक्टर ने इनको बचा लिया तो? इस जहर की काट दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं जानता। इनको मरने से सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं, और ये मैं करूंगा नहीं। चलो, ये समस्या तो सुलझ गई, लेकिन असली समस्या तो वहीं की वहीं है। ध्रुव अभी भी जिंदा है और फ्रांस तक पहुंच गया है। जल्दी वह लियोन भी पहुंच जाएगा, फिर हमारे सामने उसका स्वागत करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और जब वह अपने बाप रघुवंशी के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? ल्यूका की हरकत का क्या कारण बताओगी? नहीं, ध्रुव को मरना ही होगा, और इस बार मैं खुद उसे उसको मारने का इंतजाम करूंगा, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, इस वक्त तो वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ध्रुव पुलिस के साथ है। अब मुझे भी वह काम करने जाना है जिसके लिए मैं और जिक्सा खास तौर से मिल पेरिस आए हैं। पेरिस स्थित डिफेंस एंड रिसर्च लैब से एक नायाब आविष्कार उड़ाने के लिए। ध्रुव इस बात से अनजान था कि षड्यंत्र के सूत्रधार उसके बगल में ही थे और वहां से सरकने वाले थे। आपको हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर तक चलना होगा मिस्टर ध्रुव, हम आपका बयान लेना चाहते हैं। चलिए, मैं तो वैसे भी फ्रांस आया ही हूँ पुलिस की मदद के लिए, मदद लेने के लिए। और फिर पेरिस स्थित फ्रेंच पुलिस के हेडक्वार्टर में, और इस तरह से आपने उन दोनों अपहरणकर्ताओं को काबू में कर लिया। लेकिन ये दोनों आपको मारना क्यों चाहते थे मिस्टर ध्रुव? ये तो फिलहाल मैं खुद भी नहीं जानता इंस्पेक्टर, लेकिन अगर मैं आपके कमिश्नर से मिल सकूं तो काफी कुछ जान सकता हूं। मिस वेरा, मेरा नाम वेरा विसेट है, और अभी अभी मेरे कंप्यूटर पर मैसेज आया कि कमिश्नर साहब खुद आपसे मिलना चाहते हैं। आइए, मैं खुद आपको उनके पास ले चलती हूँ। पेरिस पुलिस कमिश्नर ध्रुव का ही इंतजार कर रहे थे। वेलकम ध्रुव, कमिश्नर राज मेहरा मेरे पुराने दोस्त हैं, उनका बेटा मेरे बेटा जैसा ही है। वेलकम वेलकम, मैं फ्राजवा हूं तुम्हारे बाप जैसा। यानी आपको पापा का मैसेज मिल गया? तब तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैं फ्रांस क्यों आया हूँ। हाँ बेटे, पता तो चल गया है, और मैंने थोड़ा बहुत चेक भी किया है, पर मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्यों अंकल? आप लोगों के पास तो रघुवंशी पर सारी जानकारी होगी। थी, पर है नहीं। मैंने मैसेज मिलते ही रघुवंशी की फाइल चेक की थी, लेकिन ना जाने कैसे कंप्यूटर पर से उस केस की पूरी फाइल गायब हो चुकी है। हमारे क्राइम रजिस्टर में से भी उस केस के पन्ने किसी ने फाड़ लिए हैं। ओह, किसका हो सकता है ये काम? कहना मुश्किल है, पर हम पूरी जांच करवा रहे हैं। वैसे 25 साल पहले मैं भी लियोन में ही था। मुझे इतना जरूर याद है कि रघुवंशी लियोन की एक स्टेट में रहता था, और वहीं पर उसने एक पुलिस वाले की नृशंस हत्या कर दी थी। लेकिन रघुवंशी में तुम्हारी इतनी दिलचस्पी क्यों है? कौन लगता था वह तुम्हारा? रघुवंशी मेरे पिता थे अंकल फ्राजवा, मेहरा पापा ने तो मुझे गोद लिया हुआ है। ओ आई सी, अगर तुम यहाँ पर अपने पिता को निर्दोष साबित करने आए हो तो इसका ख्याल छोड़ दो, उसके खिलाफ सबूत काफी पक्के थे। बाकी मैं लियोन में रघुवंशी के स्टेट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यह काम मुश्किल इसलिए है क्योंकि वह इलाका ऐसी स्टेटों से भरा हुआ है, इसमें न जाने कितने दिन लग जाएं। तब तक तुम यहाँ पर रुककर क्या करोगे? मेरे ख्याल से तो तुम भारत वापस जाकर हमारे मैसेज का इंतजार करो। मैं बिना जवाब लिए यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। या तो मैं अपने पिता को निर्दोष साबित करूंगा, और या उनके हत्यारा होने का कारण जानूंगा, चाहे इसमें आप मेरी मदद करें या ना करें। ऐसा क्यों सोचते हो बेटे? अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू अंकल, मैं 1-2 दिन तक रिट्ज होटल में ठहरता हूँ। अगर आपको रघुवंशी का पता या उस केस के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो मुझे वहीं पर संपर्क कर लें। ओके ध्रुव, इसी वक्त पेरिस में कहीं। ओह, यानी ध्रुव पेरिस में है, और हमको भी अपना काम आज रात पेरिस में ही करना है। अगर कहीं कुछ रुकावट आई तो? रुकावट नहीं आएगी चिकित्सा, उधर आप अपना काम कीजिए, इधर मैं ध्रुव का काम तमाम करता हूँ। ध्रुव बुलसाई और बीएड के हमले से बच गया, यानी वह गोला बारूद और जहरीली मक्खियों जैसे अजैविक हथियारों से निपट सकता है। हमने उसको प्लेन में ही मार देने की स्कीम बनाई, लेकिन वह स्कीम भी उसने विफल कर दी। अब हमको
इन सब से हटकर योजना बनानी होगी, और वह योजना मैंने बना ली है। आज रात ध्रुव की मुलाकात अपनी मौत से होगी। और उस शाम ध्रुव के पास फिर एक सूचना आई, आपके लिए कोई एक लेटर छोड़ गया है सर। ओह, यह संदेश मेरे लिए मेरा एकमात्र क्लू भी हो सकता है और मुझे फंसाने के लिए चारा भी। पर कुछ भी हो, मुझे इस पते पर जाना तो होगा ही। अगर रघुवंशी के बारे में जानना चाहते हो तो रंदेवू डैन के कैवियर स्ट्रीट पर आकर क्रशर से मिलो। रंदेवू डैन एक ऐसी जगह जहां पर कई फाइटिंग कैरियर बनते थे और कई जिंदगियां मिटती थी, और इस जिंदगी और मौत के संघर्ष पर लाखों फ्रैंक का सट्टा लगता था। आज भी रंदेवू डैन में हड्डियों के चटकने की आवाजें गूंज रही थी, और आज भी इस लड़ाई का फैसला मौत से ही होना था। हाय क्लाक, तो हो गए, ये तो गया। खैर, हर फाइटर से हम इस बात पर फॉर्म तो भरवा ही लेते हैं कि हम इस हादसे के जिम्मेदार ना माने जाएं। विनर इज क्रशर, 106वीं जीत और कोई हार नहीं। आज दर्शकों में एक खास दर्शक भी मौजूद था। क्रशर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा नीचे आओ। ओह, तुम आ गए, लेकिन क्रशर सिर्फ रिंग में बात करता है। ध्रुव पर रिंग में चढ़ते ही सन्नाटा छा गया। सब समझ रहे थे कि कोई नया फाइटर रिंग में आया है। ये मैसेज तुमने तुमने भेजा था, यही समझ लो। क्या जानते हो तुम रघुवंशी के बारे में? वह मेरी जुबान बता सकती है, लेकिन वह तभी चलनी शुरू होगी जब मेरे हाथ रुकते हैं, मतलब फाइट में ही। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम वह सब कुछ जान सकोगे जो तुम जानना चाहते हो, अगर नहीं तो भारत भारत वापस लौट जाओगे। ओ, तो यह है दुश्मन की चाल। इस चाल की तारीफ तो मुझको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं इस क्रशर से लड़ने पर बाध्य हो गया हूं। यही मेरा एकमात्र सूत्र है, और अगर इसने मुझे रिंग में खत्म कर दिया तो दुश्मनों का काम भी हो जाएगा और इस पर कोई केस भी नहीं बनेगा। इस फॉर्म पर दस्तखत कर दीजिए मिस्टर ध्रुव। यह दृश्य देखकर किसी के होंठों पर मुस्कान खेल गई। सुपर कमांडो ध्रुव, तू अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है। और रेफरी की सीटी बजी और फाइट शुरू हो गई। मुझे कोई भी वार करने से पहले इसकी फाइटिंग स्टाइल समझनी होगी, ताकि ये ध्रुव ने किक का वार तो बचा लिया, लेकिन अपनी तरफ बढ़ते घूंसे को वह नहीं देख पाया। वार जोरदार था। इस बार ध्रुव ने अपना ध्यान क्रशर के बढ़ते घूंसों पर रखा और एक तेज के घुस के जबड़े से अटकराई। तड़ाक! ओह, मैं समझ गया। क्रशर सवाटे स्टाइल से लड़ता है, एक पुरानी फ्रेंच फाइटिंग स्टाइल जिसमें घूंसों और क्यूकों का बराबर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, और इस स्टाइल का काट मुझे नहीं आता। ध्रुव की किक तो जोरदार थी, लेकिन इससे पहले कि उसका पैर दूसरा वार करने के लिए हवा में लहरा पाता, क्रशर की लात हवा में लहरा उठी और ध्रुव को ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया हो। और उसके बाद ध्रुव के शरीर पर वार घन की तरह लगातार बरसने लगे। इतना सबक तेरे लिए काफी होना चाहिए हिंदुस्तानी कीड़े। जा, टांगों के बीच में दम दबाकर हिंदुस्तान वापस लौट जा। अपने कातिल बाप का अतीत जाने का ख्वाब छोड़ दे, वरना तेरे शरीर का सारा हिंदुस्तानी खून इसी रिंग में बहा। ओ, तू फिर से खड़ा हो रहा है, लड़ेगा मुझसे? तो फिर आ, मरने वाले की आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करते हैं। बहुत हो गया क्रशर, मैं ना तो तेरी तरह क्रूर हूं ना ही पेशेवर फाइटर, लेकिन कसम है मुझे अपनी रगों में बहते हिंदुस्तानी खून की। अब अगर तू मेरे बदन को अपने हाथों से छू भी सका तो मैं हिंदुस्तान लौट जाऊंगा। ऐसा है तो ले ले। ध्रुव का शरीर अब ज्यादातर समय हवा में ही बिता रहा था, और क्रशर के बढ़ते हाथ ध्रुव के शरीर के बजाय उसके शरीर को छूकर आती हवा को ही टटोल पा रहे थे। खटाक! अब क्रशर को लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर पत्थर तोड़ने वाली मशीन से कई बार गुजर कर निकला हो, और आखिरकार क्रशर की सहन शक्ति भी उसका साथ छोड़ गई और उसकी टांगों की शक्ति भी। कुछ पलों तक तो चारों तरफ घनघोर सन्नाटा छाया रहा, और फिर एक कड़कदार आवाज गूंजी, सात्रे की आवाज। सवाटे बैंड, आकर खत्म कर दो इस छोकरे को। किसी अनहोनी की आशंका से पूरे हॉल में लोगों का बाहर की तरफ भागना शुरू हो गया था। जब तक ध्रुव को कुछ समझ में आ पाता तब तक वह चारों तरफ से घिर चुका था। शेर का शिकार करने के लिए जंगली कुत्तों की टोली आ गई थी और उन्होंने हमला शुरू कर दिया था। ओह, मुझे घेर कर मारने का प्लान है, और ये प्लान उसी आदमी ने बनाया होगा जिसने सवाटे बैंड को बुलाया। शायद ये कामयाब भी हो जाए, क्योंकि क्रशर से हुई लड़ाई ने मुझे बुरी तरह से थका दिया है। मुझे लड़ने के लिए रिंग से बाहर निकलकर खुली जगह पर जाना होगा।
सवाटे बैंड आसानी से ध्रुव का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। तड़ाक! और ध्रुव भी इतनी आसानी से सवाटे बैंड के अपनी जान लेने के इरादे को कामयाब नहीं होने दे रहा था। तड़ाक तड़ाक! लेकिन हमलावरों की तादाद ज्यादा थी और ध्रुव पर कमजोरी धीरे धीरे हावी हो रही थी। तड़ाक! लेकिन इससे पहले कि ध्रुव की जान शरीर से निकलती, एक आश्चर्यजनक हादसा हुआ। सवाटे बैंड पर कोई और बिजली बनकर टूट पड़ा था, या यूं कहिए कि टूट पड़ी थी। अरे ये लड़की कौन? ये कौन लड़की यहां पर ध्रुव की मदद करने के लिए आ गई? ध्रुव खुद भी चकित था। फ्रांस में मेरा मददगार कहां से पैदा हो गया? यह लड़की भी सवाटे की एक्सपर्ट लगती है। खैर जो भी हो, इस व्यवधान ने मुझे संभलने का इतना मौका जरूर दे दिया है कि अब मैं खुद भी सवाटे बैंड से निपट सकता हूं। तड़ाक! ध्रुव और उसके रहस्यमय मददगार के संयुक्त हमले के सामने सवाटे बैंड का जल्दी बाजा बज गया। यह प्लान भी टाइम टाइम फिक्स हो गया लगता है, फिलहाल तो यहां से निकल लेना चाहिए। पूरी लड़ाई के दौरान ध्रुव की नजरें सात्रे पर ही जमी हुई थी। ओह, इस षड्यंत्र का सूत्रधार तो दुम दबाकर भाग रहा है, और अगर यह भाग गया तो फिर कुछ जान पाने का एक और रास्ता हाथ से निकल जाएगा। ध्रुव सात्रे के पीछे लपका, लेकिन सात्रे तक पहुंच नहीं पाया। तड़ाक! ओह, ये क्या, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैं तो समझ रहा था कि तुम मेरे साथ हो। तुम गलत समझ रहे थे। मैंने सवाटे बैंड को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वे तुम्हारी जान लेने जा रहे थे, और मैं तुम्हारी जान किसी और को लेने नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारी जान पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। ओह, तुमने तो एक नया रहस्य खड़ा कर दिया। खैर, हम अपना झगड़ा बाद में भी निपटा सकते हैं। फिलहाल मुझे उस मोटे के पीछे जाना है, वरना दूसरा मौका मुझे ना जाने कब मिलेगा। दूसरे मौके की तो तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुमको अभी और यहीं पर खत्म कर दूंगी। ओह, वह तो निकल गया, और ये खबर ना तो मेरे लिए अच्छी और ना ही तुम्हारे लिए, क्योंकि अब तुम मेरा एकमात्र सूत्र बन गई हो। वैसे भी मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा मुझ पर हमला करने का क्या कारण है। तड़ाक! वैसे तो ये मैं तुझे तभी बताती जब तेरी जिंदगी के सिर्फ चंद पल बचे होते, लेकिन अभी बताने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तेरी जिंदगी चंद पलों में ना सही चंद मिनटों में खत्म हो जाएगी। सुन, तेरे हत्यारे बाप रघुवंशी ने दोस्ती की आड़ में एक पुलिस इंस्पेक्टर को अपने घर ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह इंस्पेक्टर जान गया था कि रघुवंशी का असली धंधा सरकारी लेबोरेटरियों से तकनीकों को उड़ाना और फिर उनको दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों के हाथों में बेचना था। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अतीत के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।